हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नाज किचन रेसिपी। आज हम बनाएंगे पीसे हुए चावल की खीर। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो खोबरे की वाटी मैंने यहाँ किस कर ले ली है, 3 केले, इलायची पाउडर, 1 बाउल घी, ड्राई फ्रूट ले लिया है मैंने, आपके पास जो ड्राई फ्रूट है वो इसमें डाल सकते हो आप। शक्कर ले ली है हमने 1/2 किलो, भिगो हुए चावल लिए 1/4 किलो, दूध 2 लीटर ले लिया है हमने। अब चावल को हम जार में डाल देंगे मिक्सर के, ये 1 घंटा पहले भिगो कर लिए थे हमने, आपके पास जो चावल हो गया आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यह बासमती राइस ले लिया था, इसमें अभी केले काट कर डाल रही हूँ मैं, केले के सब पीस कर कर हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से पीस लेना है। पीसने के लिए थोड़ा हम पानी डाल देंगे। देखिए अच्छी तरह हमने पीस लिया है। देखिए चावल को हमने अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। अब गैस पे हमने भगोना रख दिया है, इसमें डालेंगे हम घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, इसे हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। गैस को फास्ट नहीं करना है, स्लो ही रखना है। अब इसमें डालेंगे हम सूखा हुआ नारियल, इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, हल्का इसका कलर चेंज होना चाहिए। अब डालेंगे हम इसमें 2 लीटर दूध, इसे हिला लेंगे और गैस को हम फास्ट कर देंगे अभी कि इसे दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। इसमें डालेंगे हम 1/2 किलो शक्कर, शक्कर आप अपने हिसाब से लीजिए। शक्कर पिघलने तक हम हिलाते रहेंगे। इसमें डालेंगे हम आप इलायची पाउडर, अब पीसे हुए चावल को हम इस दूध में डाल देंगे। अब देखिए उबाल आ रहा है, इसे अच्छी तरह हिलाते रहना है गैस को स्लो करके। ये प्रोसेस याद रखिए, अच्छे से देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें गुठली ना होनी चाहिए। 15-20 मिनट तक हम इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। देखिए इसे हमने अच्छे से हिला लिया है, यह आप पर डिपेंड करता है आपको खीर गाढ़ी रखना है या पतली। देखिए इसे अच्छा उबाल आ रहा है। अब 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और खीर निकाल लेंगे। हमारी स्पेशल खीर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।